तो गाइस ओप्पो K12X कैसा गेमिंग में, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस आज मेरे पास आ गया ओप्पो K12X और आज मैं इसमें गेमिंग टेस्ट करूंगा, देखूंगा फोन कैसा परफॉर्म करता है, कितने फ्रेम रेट ला के देना, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया नाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है आयान, आप देख रहे जागरण प्ले। तो गाइस पहले जरा फोन की डिजाइन के बारे में बात करता हूं। कोई प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाएगा, फोन काफी लाइट वेट लगा एंड पर्सनली फोन काफी कंफर्टेबल लगा यूज करते वक्त। सामने की तरफ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 6.67 इंच की एलसीडी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले मेरे को डिसेंट लगी इस प्राइस रेंज में, बट थोड़ी बहुत जिसकी शार्पनेस थी गेमिंग करते मेरे को कम लग रही थी। ओवरऑल कंटेंट देखने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। गाइस जो मेरा वेरिएंट है यहां पर आपको 6GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। फोन डे टू डे टास्क में लैग नहीं कर रहा था, डिसेंट चल रहा था एंड वहां पर मेरे कोई इशू नहीं आया। यहां पर आपको 5100 की बैटरी देखने को मिल जाएगी, आपको ये आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, प्लस ये फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। MediaTek Dimensity 6300 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 4 लाख प्लस का एंटीटू स्कोर ला के देता है। डे टू डे टास्क आपको कोई लैग देखने को मिलेगा, फोन डिसेंट परफॉर्म करता है। गेमिंग की बात करें मैंने दो गेम्स टेस्ट किए थे जो कि Asphalt Legends Unite एंड BGMI। Asphalt Legends Unite पे हाई क्वालिटी पे 60fps सपोर्ट करता है। गेम प्ले की बात करें तो मेरे को 57 से 60fps कंसिस्टेंट मिल रहे थे, लैग देखने को नहीं मिल रहा था, गेम इसमें बढ़िया चल रही थी, कोई भी हीटिंग भी देखने को नहीं मिल रहा था। बट एक चीज जो मेरे को इसके डिस्प्ले में लगी, थोड़ी बहुत शार्पनेस मेरे को गेम में कम लग रही थी, वहां पर मेरे थोड़ा गेम प्ले एक्सपीरियंस डीसेंट रहा, इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। BGMI की बात करते हैं HD हाई फ्रेम रेट तो मैक्स सपोर्ट करता है एंड स्मूथ अल्ट्रा तक जाता है। गेम प्ले की बात करते हैं मेरे को 36 से 39 FPS मिल रहा था, वहां पर मेरे कोई लैग देखने नहीं मिल रहा था, गेम प्ले एक्सपीरियंस मेरा डीसेंट था। बात करें TDM की तो यहां पर मैंने इस फोन का जायरोस्कोप भी टेस्ट किया, इसका जायरोस्कोप मेरे को अच्छा नहीं लगा, यहां पर मेरे को बहुत ज्यादा जायरो डिले देखने को मिल रहा था, इसके जायरोस्कोप रिस्पॉन्सिव नहीं थे। जायरोस्कोप रिस्पॉन्सिव ना होने की वजह से मेरा जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं लगा। इस प्राइस में आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको 40 FPS देखने को मिलेगा, बट जो इसके जायरोस्कोप था वो उतना अच्छा नहीं लगा, जिससे मेरा गेम प्ले एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम लोग FPS की बात करें तो आपको 36 से 39 FPS देखने को मिल जाएंगे, बीच बीच में ये 23 FPS तक भी एक मेजर फ्रेम लॉक इसने दिखाया था मेरे को, बट ओवरऑल आपको इतना लैग देखने को मिलेगा, बट इसका जो जायरोस्कोप है उतना अच्छा नहीं है। तो गाइस अगर आप एक BGMI के लिए फोन ले रहे हैं अंडर 15,000 तो आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग, तो आपको ये फोन 13,000 के प्राइस में मिल जाएगा। इस प्राइस में अगर आप एक लाइट आर्केड गेम्स खेलना चाहते हो तो ये फोन एक अच्छा चॉइस है, ड्यूरेबल है फोन, इसके कैमरास भी डिसेंट है। बट गाइस अगर आप BGMI लेना चाहते हो तो आपको सजेस्ट करूंगी अपना प्राइस बजट बढ़ा के थोड़ा सा और अच्छे फोन ले सकते हैं। बाय गाइस आपको इस फोन को लेके कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट जरूर बताना, आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।